archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. और अब तो मेरी शरारत करने की बारी है. मैं अगला कार्यक्रम आपको बताऊंगी नहीं कौन सा है. शरारत इन्होंने आपके साथ थोड़ी, शरारत तो मेरे साथ की है, जो मेरा नाम नहीं लिया और मुझे बुला दिया. पता नहीं इन्होंने मेरा नाम क्यों नहीं लिया. खैर ये जाने, लेकिन जो शरारत मेरे साथ हुई है वो कविता मैं आपको बता रहा हूँ. एक ही शक्ल के दो आदमी अगर एक शहर में हो जाएं, तो उनका क्या हाल होगा. रसना को शीर्षक है काड़ू. म्हारी दिल्ली में काड़ू नाम को एक छोरो रवे है. भगवान उनकी शक्ल सूरत मेरी जैसी बना दी और पिछले कई जन्मा की दुश्मनी मेरे से चुका दी. तो काड़ू मेरे मोहल्ले में आवे और मोहल्ला की छोरियां ने छेड़ करके भाग जावे. और वे छोरियां या सोच कर कि मैं छेड़ू हूँ, मैंने पुलिस थाने में रोज पिटवावे. मैंने पुलिस थाने में रोज पिटवावे. काड़ू एक महीना में ही मेरी ऐसी रेपुटेशन कर डाली कि मैं दाई पटरी पर चालू तो मोहल्ला की छोरियां बाई पटरी पर चालू. कि मैं दाई पटरी पर चालू तो मोहल्ला की छोरियां बाई पटरी पर चाली. मेरे मोहल्ले में पहेलियां पूछी जा रही थी कि एक आदमी आज थाने में पिटरियो है, वह कौन होगो. दूसरो कह तो शर्त लगा ले सुरेंद्र शर्मा होगो. शर्त लगाई जाती, शर्त लगाई जाती और मैं पिटतो वो पाए जातो. और मैं पिटतो वो पाए जातो. एक दिन मैंने मालूम पड़ी कि काड़ू कई दिना से दिल्ली से बाहर गयो है. मैं सोची काड़ू को से बदलो चुकानो चाहिए, काड़ू के घर जानो चाहिए. तो काड़ू के मोहल्ला में पहुँचता ही शोर माच गयो. रे काड़ू आ गयो, रे काड़ू आ गयो. एक बोलो रे काड़ू तू आने में थोड़ी देर कर गयो, तेने याद करता ही थोड़ी देर पहले ही तेरो बापू मर गयो. थोड़ी देर पहले ही तेरो बापू मर गयो, पर अच्छो है तू क्रियाक्रम से तो पहला आ गयो. मैं सोची रे सुरेंद्र शर्मा अच्छो फंस गयो. मैं बोलो जी मैं काड़ू कोनी, सुरेंद्र शर्मा हूँ. तो एक रिश्तेदार बोलो हाय राम ए घर में के हो गयो, एक तो बाप मर गयो ऊपर से छोरो पागल हो गयो. एने पागल खाना में भर्ती कराओ. दूसरो बोलो या अपने बाप को इकलो तो छोरो थो, ऐसे क्रियाक्रम तो करवाओ. सो भाइयों मेरो सर मुंडवायो गयो. मैंने जबरदस्ती रुलवायो गयो, जबरदस्ती रुलवायो गयो. 13 दिन तक तो मेरे से श्राद्ध का काम कराया और अगले ही दिन पागल खाना में भर्ती कराया. मैं पागल खाना के ऑफिसर से बोलो जी मैं पागल कोनी, सुरेंद्र शर्मा हूँ, हास्यरस की कविता लिखूं. तो पागल खाने को ऑफिसर बोलो जी महारा अहो भाग्य जो थारा दर्शन हो पाया. अरे पागल खाना में 2/3 आदमी तो थारी कविता सुनकर ही आया. पागल खाना में 2/3 आदमी तो थारी कविता सुनकर ही आया. हे ईश्वर तू सुनी कोनी, आज पागल बनाने वालों कह रही हो मैं पागल कोनी. कहीं मैं छूट कर आयो के बतलाऊं, पर जब मैं अपने घर पहुंचो तो बापू बोलो क्यों साहब इतने दिन कहाँ रहे. मैं बोलो जी फंस गयो थो, पागल खाने से आ रही हूँ. तो बापू बोलो तू फंस थोड़ी गयो थो, तू तो सही गयो थो. तू तो सही गयो थो. अरे जो बाप के होता सोता, अरे जो बाप के होता सोता सर मुंडवावे, वह आदमी तो पागल खाने जावे. जो बाप के होता सोता सर मुंडवावे, वह आदमी तो पागल खाने जावे. तेरो इलाज होना चाहिए. तू कई दिना तक पागल खाने में रियो हा, तेने घर में भी वही वातावरण मिलना चाहिए. सो मैं या सोचूं तेरो ब्याह होना चाहिए. ब्याह हुओ के हुओ के बतलाऊं, पण वा काड़ू मैंने बहुत नुकसान पहुंचायो. कई कवि सम्मेलना में मेरे नाम से कविता पढ़ी आयो. और पिछली बार दिल्ली दूरदर्शन पर
मेरे नाम से काड़ू ही तो कविता सुनाई थी। मैंने तो जब मालूम पड़ो, जब दूरदर्शन आलम की चिट्ठी आई थी कि इस साल थे प्रोग्राम बहुत ज्यादा जमायो, मैं यह सोचकर इना ने सही बात नहीं बताई कि सही बात बता तो आज भी काड़ू बुलवाया जातो। कि सही बात बता तो आज भी काड़ू बुलवाया जातो, और मैं तो यह सोचकर अब काड़ू के मोहल्ले में नहीं जाऊं कि काड़ू मर जावे और फूको मैं जाऊं।